हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज साक्षी चौरसिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप स्कैल्पिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट कि NSE पे मोर देन 1000 से भी ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड हैं, ठीक है। उसमें से उन स्टॉक को आइडेंटिफाई करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, जिसमें आपको हाई वॉल्यूम भी है, मूवमेंट भी है, जिसमें आप ट्रेड ले सकें। और इसीलिए मैं आज आपके साथ बहुत ही सिंपल प्रोसेस शेयर करूंगी, जिसके थ्रू अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं देन आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं इन जस्ट 5 मिनट। यस, स्कैल्पिंग पे वी ऑल नो दैट कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा स्टॉक सही होना चाहिए, बिकॉज हम स्कैल्पिंग के लिए 1 से 2 मिनट के लिए उस ट्रेड में एंट्री लेते हैं। और इसीलिए ज़रूरी है कि उस ट्रेड में अच्छी मूवमेंट हो ताकि हम उससे प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वे है, बट काफ़ी सारे लोग स्टॉक ही गलत सिलेक्ट करते हैं, जिसके कारण उन्हें स्कैल्पिंग से प्रॉफिट अर्न नहीं हो पाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट अर्न करना है देन आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि आप सही स्टॉक में ट्रेड ले सकें और उससे प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। तो मैं आपको कोई भी एक ऐसा प्रोसेस नहीं बताऊंगी जिसमें आपको काफ़ी एनालाइज करना पड़े, मैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस बताऊंगी जिसके थ्रू आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट बिफोर दैट गाइज, देयर आर सम पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं देन यू हैव टू फॉलो, या फिर स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस में आपको फोकस करना चाहिए। दैट इज गाइज कि कभी भी जब भी आप मार्केट में स्कैल्पिंग करें देन नेवर ट्रेड इन पैनी स्टॉक। आपको कभी भी मार्केट में पैनी स्टॉक पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि पैनी स्टॉक में येस उनकी अमाउंट आपको सिर्फ 10 रुपीज़, 5 रुपीज़ मिलेगी, बट गाइज उनमें मूवमेंट नहीं होता है। दैट मीन्स अगर आप TCS को देखेंगे, जैसे TCS आज 3000 पर है, तो TCS 5 मिनट के अंदर 3000 से 3015, 3020 यहाँ तक पहुँच सकता है, जिसमें आपको 15 से 20 पॉइंट्स की मूव मिल सकती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप पैनी स्टॉक का कंपेरिजन करेंगे तो पैनी स्टॉक में ट्रेड किस तरीके से मूव होता है, पैनी स्टॉक में ट्रेड मूव होता है 5 रुपीज़ है, फिर 5.15, 5.20, 5.25 इस तरीके से मूव होता है। तो इसमें देखिए आपको सिर्फ यहाँ पर पॉइंट में मूव मिल रही है और यहाँ पर आपको पॉइंट्स में मूव मिल रही है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचा कीजिए कि पैनी स्टॉक में हम ज़्यादा क्वांटिटी ले पाएंगे, नो, क्योंकि पैनी स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं होती, उसमें आपको आगे बाय सेल में भी प्रॉब्लम जाती है, उसमें मूवमेंट नहीं होती है, तो आपका सिर्फ टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है और आपको प्रॉफिट नहीं होता है। इसकी जगह आप, मैं सिर्फ TCS का एग्जाम्पल दे रही थी, आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स आप अपने बजट का भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे बंधन बैंक हुआ जो 200 रुपीज़ में है, अगर आपके पास अच्छे कैपिटल है तो आप बड़े अमाउंट में भी जा सकते हैं। तो हमेशा आपको इन हाई मूवमेंट वाले स्टॉक्स में ट्रेड करना है, ना कि पैनी स्टॉक में। सेकेंड थिंग जो कि स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ ऑलवेज चूज दोज स्टॉक जिसमें हाई लिक्विडिटी हो, बिकॉज स्कैल्पिंग के अंदर हमें कुछ ही मिनट के अंदर ट्रेड में एंट्री भी लेनी होती है और ट्रेड से एग्जिट भी करना पड़ता है, राइट। और इसीलिए ज़रूरी है कि उसमें लिक्विडिटी अच्छी हो, दैट मीन्स उसमें इनफ क्वांटिटी में बायर्स भी हों, सेलर्स भी हों, ताकि आगे जाके अगर आप किसी पॉइंट पर उसको सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे होते हैं ना गाइस कि वहाँ पर ना बायर और सेलर एक्टिव ही नहीं होते, तो अगर आप ट्रेड में प्रॉफिट भी अर्न कर लेते हैं बट एट दैट पॉइंट देयर इज़ नो सेलर, तो आप उसमें अपना जो ट्रेड है उसको सेल ही नहीं कर पाते और उसमें प्रॉफिट नहीं होता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक चूज़ कीजिए। थर्ड पॉइंट जो कि आपको फोकस करना है, एंड दैट इज़ गाइस कि हमेशा जब भी आप स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाई मूवमेंट हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक सिलेक्ट करें। हाई मूवमेंट एंड वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कैल्पिंग, बिकॉज आप कुछ ही टाइम के लिए ट्रेड में ले रहे हैं और अगर आपका ट्रेड की मूवमेंट अच्छी होगी तो आप उतने ही टाइम मिनट में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यही 3 पॉइंट है जो कि आपको स्कैल्पिंग में स्टॉक सिलेक्ट करते टाइम ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स मूव टू आवर वीडियो। मैं आपको 2 वेज बताऊंगी जिसके थ्रू आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही वेज बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही ईजी हैं एंड टोटली रिलायबल हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर ये स्टॉक आपको शो हो जाएंगे और उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। सो गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट NSE की ऑफिशियल वेबसाइट, इट इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट। ये कोई भी रैंडम वेबसाइट नहीं है, ना ही पेड वेबसाइट है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से आप NSE की ऑफिशियल वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं स्कैल्पिंग के स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए। उसके लिए हम स्क्रीन में चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको डिटेल से ये प्रोसेस शेयर करती हूँ। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन कर ली, NSE की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इजीली मिल जाएगी। आज मैं आपके साथ 2 वेज शेयर करने वाली हूँ, दोनों ही एक्सट्रीमली सिंपल हैं और आप इन अ मिनट आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस में ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको पहले फर्स्ट वे समझाती हूँ, फिर मैं आपको सेकेंड वे समझाऊंगी। सो द वेरी फर्स्ट वे विच इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट
येट वेरी पावरफुल वे ऑफ स्टॉक सिलेक्शन फॉर स्कैल्पिंग इज गाइज NEC के जो टॉप 10 गेनर और टॉप 10 लूजर्स होते हैं वो आपको वेबसाइट पे जाना है और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे ना तो देखें आपको यहाँ पर टॉप 5 स्टॉक मिल जाएंगे निफ्टी 50 के जो कि टॉप 10 गेनर होंगे और लूजर होंगे। ये वो स्टॉक होंगे गाइस जिसमें हाई वॉल्यूम भी है, हाई लिक्विडिटी भी है, इसके अंदर कोई पैनी स्टॉक नहीं आता है, वही स्टॉक आते हैं जिनमें हाई मोमेंटम भी है, तो ये परफेक्ट होंगे हमारी स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 9, 15 और 20 पे ये डाटा अवेलेबल हो जाता है, आपको सिंपली यहाँ पर स्टॉक पे जाना है। अब देखिए ये जो ग्रीन कलर से ये बता दें कि कितने गेनर्स हैं, मतलब वो स्टॉक जो कि ओपन हाई हुए हैं और इसके बाद उनमें अपसाइड का मूवमेंट है, और ये वो स्टॉक है जो कि है ना गैप डाउन ओपन हुए हैं, तो ये वो स्टॉक है। अब देखिए आप इसमें बाय का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप इसमें शॉर्ट सेल के भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है कि NEC में आज देखिए ग्रीन दिख रहा है तो हम बाय का ट्रेड पर फोकस करेंगे। अब जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, सबसे पहले यहाँ पर हिंडेल को, इसका प्राइसिंग भी देखिए इतना हाई नहीं है, ओनली 493। आपको सिर्फ स्टॉक्स जाना है, आपको हिंडेल को डालना है। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ फ्राइडे के दिन का। ठीक है, मैं ये वीडियो सैटरडे को शूट कर रही हूँ तो इस टाइम पर मार्केट क्लोज था। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो स्ट्रैटेजी यूज़ करी है ना वो मूविंग एवरेजेस की करी है, मैंने रिसेंटली इस पर एक वीडियो अपलोड करी थी, उसकी लिंक मैं दे दूंगी, तो आप वहाँ से ये स्ट्रैटेजी भी देख सकते हैं। अब देखिए सिंपल है, जब भी हमारा स्टॉक अगर मूविंग एवरेजेस के पास आके अपसाइड जा रहा है तो हम इसमें बाय का ट्रेड लेते हैं। अब देखिए अगर इस तरीके से होता तो इस स्टॉक में आपको ईजिली कितना अच्छे से ट्रेड मिल रहे थे, यहाँ पर देखिए 450 का प्रॉफिट होता। अगेन देखिए यहाँ पर आप इसमें फिर ट्रेड ले सकते थे, मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके इसने अपसाइड गया है, और देखिए इस तरीके से आप इसमें ट्रेड ले सकते थे। अगेन आप देखेंगे ना तो इस स्टॉक में आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको एंट्रीज मिल रही हैं जिसके बेसिस में आप एंट्री ले सकते हो। देखिए गाइस इसमें आपको इजी प्रॉफिट होता, ऑल यू हैव टू जस्ट इस स्टॉक को आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना था, और जब भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखे उसके बेसिस में आपको ट्रेड लेना था। देखिए ये ट्रेड वन डे के अंदर सिर्फ अपसाइड ही अपसाइड गया, तो इसमें आप इजीली ट्रेड ले सकते हैं। देखिए उसके बेसिस में ना आपको यहाँ पर प्रॉफिट होते हैं। स्कैल्पिंग में ना हम जनरली छोटे छोटे मूव को ही कैप्चर करते हैं, इसलिए हमारे जो प्रॉफिट पॉइंट्स भी होते हैं ना वो छोटे छोटे हैं। देखिए इसमें आपका स्टॉप लॉस भी कम है और इसमें आपको अच्छा टारगेट्स भी मिले हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं आपको और एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे देखिए इस टाइम पर NTPC ही देख लीजिए फिर से। देखिए सिंपली आपको जाना है सर्च, देखिए अगर आप NTPC भी देखेंगे 29 सितंबर, तो देखिए इसमें भी अगर आप एंट्री लेते तो देखिए आपको हर पॉइंट पर अच्छे खासे ट्रेड मिल रहे थे, जिसमें आपको 5-5, 6-6 पॉइंट्स के इजी प्रॉफिट हो सकते थे। स्टॉप लॉस आपको कैंडल के लो पे या फिर मूविंग एवरेजेस के बिलो पुट करना, और देखिए गाइज इस पॉइंट पर आप अगर ट्रेड लेते आप इसमें देखिए बाय का ट्रेड भी ले सकते थे, ये अपनी मूविंग एवरेजेस के बिलो आ रहा है तो सिंपली आप यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड भी ले सकते थे, और देखिए इसमें आपको प्रॉफिट होता है, इसमें आपको काफ़ी सारे ट्रेड मिल जाते। ठीक है, अब जैसे अगर हमारे पास अच्छी कैपिटल होती है तो आप देखिए जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर रेडी दिया हुआ है, हम वो भी चूज कर सकते हैं। 5 स्टॉक्स जो है ना गाइज इन सभी में हाई वॉल्यूम है, तो आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डॉक्टर रेडी भी सिंपल है, जैसे ही अपने मूविंग एवरेजेस के अपसाइड जा रहे हैं ना हमें सिंपली वहाँ पर बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना, और गाइज अगर इस तरीके से आप करते तो देखिए आपको 54 पॉइंट्स के प्रॉफिट हो रहे हैं। यहाँ देखिए आपको अगेन अच्छे खासे प्रॉफिट्स होंगे, बड़े बड़े प्रॉफिट्स होंगे जिसके बेसिस में आप मार्केट में ईजीली ट्रेड ले सकते हैं, और देखिए इस तरीके से ना इसमें आपको हाई प्रॉफिट होगा। स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है गाइज, बिकॉज अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन ठीक नहीं होगा ना तो आपको स्कैल्पिंग में कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ आर वेरी फर्स्ट वे, दैट इज NEC के जो टॉप 5 गेनर होते हैं और टॉप 5 लूजर्स होते हैं वो आप इसके बेसिस में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आर सेकेंड वे जिसके थ्रू आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज गाइस प्री ओपन मार्केट। येस, प्री ओपन मार्केट इज ऑल्सो अ वेरी बेस्ट वे एंड द मोस्ट रिलायबल वन। इसमें भी आपको वही स्टॉक मिलेंगे जिनमें हाई वॉल्यूम भी होगी, हाई लिक्विडिटी भी होगी, हाई मोमेंटम भी होगा, और जिसके बेसिस में आप इन जस्ट 5 और 10 मिनट्स आप ईजिली इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको NEC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर देखिए मार्केट डाटा का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए प्री ओपन मार्केट आ जाएगा, आपको यहाँ पर प्री ओपन मार्केट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्री ओपन मार्केट पे क्लिक करेंगे ना देखिए इस टाइप का ये सारी चीजें आ जाएंगी, यहाँ पर निफ्टी 50 के सारे स्टॉक आ गए। इफ यू वांट टू ट्रेड इन अ पर्टिकुलर सेक्टर तो देखिए यहाँ पर निफ्टी 50 में हो, FNO में हो, तो वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। हम देखिए इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले हिंडेलको आया, मैंने हिंडेलको का एग्जाम्पल आपको पहले भी दे दिया। अब जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पर UPI का बताती हूँ, ठीक है, सॉरी UPL, मैंने UPI बोल दिया, आई गेस ओके। तो देखिए यहाँ पर हमने UPL ओपन करा है, सेम स्ट्रैटेजी है मूविंग एवरेजेस के बेसिस में। मूविंग एवरेजेस की स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है बिकॉज इसमें आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिलता है। सिंपल है, ये अपने मूविंग एवरेजेस की अपसाइड है, ग्रीन कैंडल है,
यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे और इस तरीके से इसमें वेट करेंगे। देखिए आपको 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। अगर हमने यहाँ पर एक बार एंट्री मिस कर दी थी तो देखिए हम यहाँ पर अगेन एंट्री ले सकते थे, री एंटर कर सकते थे और प्रॉफिट होता। अगेन यहाँ पर ये अपने मूविंग एवरेजेस के पास आया है ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ, हम फिर से यहाँ पर ट्रेड लेंगे और देखिए गाइस इस तरीके से ना इसमें हमें प्रॉफिट होता। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी जिसके बेसिस में आप अप ट्रेंड में भी ट्रेड ले सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड ले सकते हैं, स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से बता देती हूँ MNM। देखिए यहाँ पे जो ऊपर स्टॉक आते हैं ना वो स्टॉक आते हैं जिनमें अप ट्रेंड अच्छा था, और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ वो स्टॉक आते हैं जहाँ पर डाउन ट्रेंड था। अभी क्योंकि मार्केट देख रहे हैं आप, मार्केट में मूव अच्छा है, मार्केट आज ग्रीन ओपन हुआ है, इसलिए ज़्यादा स्टॉक आपको अभी अप ट्रेंड वाले मिलेंगे। आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं और इसमें आप इजीली ना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी ना, देन आप वो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी। देखिए अगेन हमने यहाँ पर MNM को ओपन कर लिया, सिंपल है, मूविंग एवरेजेस की अपसाइड है तो हम बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ट्रेड अपनी मूविंग एवरेजेस के बिलो जा रहा है तो हम यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और देखिए इस तरीके से ना आपको बाय के ट्रेड में भी प्रॉफिट होगा, आपको शॉर्ट के ट्रेड में भी प्रॉफिट होगा और आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो। स्टिल अगर आपको स्कैल्पिंग की और वीडियोस देखना है, डिटेल से समझना है कि कौन कौन सी चीज़ें स्कैल्पिंग में फोकस करनी चाहिए, किस तरीके से आप स्कैल्पिंग में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो मैं नीचे प्लेलिस्ट दे दूंगी, आप वहाँ से इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से ना इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ओके गाइस, सो आई होप ये क्लियर हो कि किस तरीके से आप स्कैल्पिंग के स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस स्कैल्पिंग स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, देन आप वो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में नए हैं देन मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पे डिटेल से कोर्स क्रिएट करा हुआ है। इस कोर्स में आपको लाइफ टाइम का एसेस मिलता है विद माई पर्सनल सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर आप इन कोर्स को कभी भी देख सकते हैं, जितनी बार आप देखना चाहें। तो उन दोनों ही कोर्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, कीप इंप्रूविंग इन ट्रेडिंग। ओके।